Hello, guys, welcome back in the Beast Zone. This is ManVeer. Today we are going to react on BeastBoyShub Secrets Exposed. By BeastBoyShub. So, Secrets Exposed over BeastBoyShub. Here we are Secrets Exposed in front of everyone. This is already exposed. We are watching it. So, let's see what are our secrets in BeastBoyShub. Secrets, like for us, it's a secret package. Because we don't know much. I don't have any idea. I don't have any idea. How many videos BeastBoyShub के माध्यम में वही देखती हैं। मैं वही देखती हूँ। वी पर्सनली भी देखता है, but मैं नहीं देखती। तो मुझे जितनी वीडियोस मैंने यहाँ देखी है, उतनी ही मुझे नॉलेज है। तो वहाँ से देखते हैं कुछ अगर सीक्रेट मेरे रिलेटेबल रहते हैं, कुछ ऐसा लगता है मुझे कि ये मेरे को जानना था या मैं जान सकती हूँ। वीडियो बाकी BeastBoyShub की वीडियो He's always look different in his videos. ये तो पुरानी वीडियो क्या आप लोग मुझे जानते हैं ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं यार सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने आप लोग मेरे को पहचानते होंगे पर क्या आप लोग मेरे बारे में जानते हैं नहीं ना नहीं जानते कुछ नहीं जानते आप लोग मेरे बारे में तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए अपने बारे में कौन है ये BeastBoyShub क्या है इस BeastBoyShub के सीक्रेट्स मैं सोच रहा था मैं आपको पर्सनली बताऊं लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है इंटरनेट पे मेरे बारे में सब कुछ मैं बस यही सोच रहा था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा मेरे से बिना कोई इंफॉर्मेशन लिए ना थोड़ी सी रिसर्च किए मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लाना इम्पॉसिबल तो hey followers तुम्हारा अपना BeastBoyShub is here तो मुझे ये वेबसाइट मिली विकी ऑफ स्लेप्स सो आज हम लोग ये विकी पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं मैं भी एक्चुअली जानने वाला हूँ कि क्या जिस BeastBoyShub को मैं जानता हूँ क्या मैं सच में उसे जानता हूँ तो आओ BeastBoyShub की खुफिया इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया जाए सबसे पहले शुभम सैनी या दैट्स माय यार प्रॉब्लम क्या है इंटरनेट पे लोगों की BeastBoyShub मेरा यूट्यूब नेम है उसमें एक्स्ट्रा एच डाल देंगे और मेरा जो रियल नेम है उसमें से एच निकाल ही दिया अरे बहुत बढ़िया यार मेरे को लगता है इसी का एच उठा के ना वो BeastBoyShub के एंड में किसी ने एच घुसाड़ा है सिर्फ इस एच की वजह से यूट्यूब ने पता है मेरे को पहले कितना परेशान किया था मेरी वीडियोस नहीं मिलती थी लोगों को पूरी की पूरी वीडियो बनानी पड़ी थी मुझे इस मैटर पे पॉपुलरली नोन एज BeastBoyShub थैंक यू इस नेम को एटलीस्ट तुमने करेक्ट लिखा है is a popular Indian YouTube gamer who upload gaming highlights of popular PC games. Actually, मैं मोबाइल गेम्स भी खेलता हूँ एक्चुअली मैं PS4 गेम्स भी खेलता हूँ एक्चुअली मैंने तबाही मचा रखी है He is the owner of the channel BeastBoyShub which has over 1.74 million. Excuse me? It's 2.29 million right now. पर आप लोगों का आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है इसलिए माफ कर देता हूँ मैं नो प्रॉब्लम शुभम उन्होंने एज ऑफ नाउ डाला हुआ है आगे पढ़ ले तेरी उंगली कमजोर है BeastBoyShub was born in year 1996. किसने दी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मेरी जिंदगी से एक साल ऐसे कम कर दिया तुमने पता है ऐसे अरे मुझे जल्दी बुड्ढा करने के चक्कर में हो क्या यार अभी तो हम जवान हैं 1997 है ये डेट 1996 नहीं बता यार एक साल ही कम कर दिया इतनी जल्दी नहीं मरना भाई मुझे He was born and raised in a small village in New Delhi, India. Yeah, तुम लोग ऐसे कह सकते हो His date of birth is not known, but his birthday is around the last 3 months of the year. Nope. मेरा birthday April में आता है. He was that type of kid who never participated in any extracurricular activities during his school days, and this is one of his biggest regret in his life. ये actually सच्ची बात है. मैं अभी भी regret करता हूँ क्योंकि वही time था मेरा जब मैं friends के साथ enjoy कर सकता था, सारी sport activities में participate कर सकता था. School days से तो बहुत सारे regret हैं मेरे पास, जैसे कि function days हो गए, teachers day हो गए, जितने भी days आते हैं ना जहाँ पे तुम अपने teachers के साथ, friends के साथ enjoy कर सकते हो, उन days पे तो मैं छुट्टी मार के घर पे बैठ के games खेलता था. लेकिन वो चीज़ बहुत ही घटिया थी, I think. मेरे को school जाना चाहिए था उन days पे, enjoy करने चाहिए थे अपने school के दिन. बहुत याद आते हैं वो दिन. He got his first mobile phone during his 11th and he had internet access after finishing the 12th class.
इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मैंने किसी क्यू एन ए वीडियो में मेंशन की होगी आई थिंक ये। सो हाँ, मेरा फर्स्ट मोबाइल फोन था नोकिया 2690। उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगा था यार, और मुझे पता भी नहीं था इंटरनेट को यूज कैसे करते हैं। तो मेरे को पूरी एक क्लास लग गई थी, 11th से 12th तक आ गया था मैं, जब मुझे पता चला था कि हाँ इंटरनेट नाम का भी कोई चीज है और उसे ऐसे यूज करते हैं। और सबसे पहला जो सोशल ऐप मैंने चलाया था वो था फेसबुक। उसके बाद धीरे धीरे जब 12th की मिडल में आ गया मैं, तब मेरे को यूट्यूब के बारे में पता चला था। He found about YouTube and how things work and eventually started his own YouTube channel. Well, YouTube के बारे में पता लगना और अपने चैनल को स्टार्ट करना, इसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम का गैप था। मुझे याद है मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया था कि क्यों ना यार मैं भी एक वीडियो बना के देखूं। और जब मैंने वो वीडियो बनाई और अपलोड की ना, उसमें कोई व्यूज़ नहीं आया ऑब्वियसली, लेकिन जो वो प्रोसेस थी ना उसे मैंने बहुत इंजॉय किया। और मेरी जिंदगी में फर्स्ट एक ऐसी चीज थी वो जिसे मैंने बहुत इंजॉय किया था आफ्टर गेम्स ऑब्वियसली। तब मुझे समझ में आया कि यार ये काम है जो मैं कर सकता हूँ। आई थिंक इन द बिगिनिंग इट वॉज रियली हार्ड फॉर हिम टू मेक वीडियोज एज ही हैड टू मैनेज बोथ कॉलेज एंड वीडियोज। मेरा कॉलेज पूरा दिन खा जाता था मेरा। सुबह 7 बजे कॉलेज के लिए निकलो, शाम को 7 बजे घर में एंटर करो, रात को वीडियोज बनाना इज इम्पॉसिबल। तो मेरे को सैटरडे टू सैटरडे वीडियोस बनानी पड़ती थी। हर सैटरडे मैं वीडियो बनाता था, संडे एडिटिंग में चला जाता था, अपलोडिंग में चला जाता था। मेरा पूरा हफ्ता ना बिजी जाता था, मंडे टू फ्राइडे कॉलेज और उसके बाद सैटरडे संडे यूट्यूब वीडियोस बनाना। और एक टाइम आया जब मेरे को ना ये वीडियो बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने लगा, मैं बहुत इंजॉय करने लगा इसे। तब मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार मुझे कॉलेज छोड़ना चाहिए, मेरे को अपना पूरा टाइम यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में लगाना चाहिए, बिकॉज उसको मैं इंजॉय कर रहा था और कॉलेज में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था सीरियसली। He tried his best to upload as many videos as possible. He said that out of the work things he had done, he had enjoyed the most in making YouTube videos. Yeah, ये बात सही है, because मैंने बहुत सारी चीज़ें try करी हैं। मैंने NDA के paper के लिए भी तैयारी करी है, मैंने SSC के लिए भी तैयारी करी है, मैंने दुनिया भर की चीज़ों के लिए तैयारी करी है। मैंने गिटार बजाना भी सीखा, वो स्टार्टिंग में इंजॉयबल था लेकिन बाद में, अब 3 साल हो गए मेरे को गिटार छोड़े हुए। मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करता था ना, उसमें यूट्यूब वीडियोस बनाना और गेमिंग, ये 2 काम ऐसे थे जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता था। हालांकि मैंने अपनी कंटेंट की शुरुआत बहुत ही अजीब और वल्गर तरीके से करी थी, मैं दबा के अब्यूज़ करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम कोई आइडिया नहीं था ना कि यार मैं गेमिंग और अपनी यूट्यूब को कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था, फिर जब थक जाता था रिलैक्स होने के लिए दबा के 3 घंटे गेम्स खेलता था। उस टाइम मैं किसी भी वेस्टर्न यूट्यूबर को नहीं जानता था, मेरे को प्यूडीपाई, जेक्सेप्टिकाई, मार्केटप्लायर, इन सब के बारे में नहीं पता था। मैं सिर्फ ट्रेंडिंग पेज देखता था और उसमें पहले का ट्रेंडिंग पेज कैसा था सबको पता है। सो वही बात है, जैसे माहौल में रहते हो वैसी मेंटेलिटी बन जाती है। सो मेरी भी मेंटेलिटी वैसी थी। मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मैं एज अ पर्सन कितना ग्रो करा हूं यूट्यूब पर रहकर, यूट्यूब वीडियोज बनाकर। अच्छी फीलिंग है ये। At that time, he was studying BTech and he had no interest in studying. So eventually, he ended up quitting his college and thought of doing YouTube as a full-time job. He somehow convinced his parents about quitting college. सबसे difficult part था ये। बाप रे। I don't think इसमें मेरे parents की भी गलती थी, because जब तक तुम्हारा बच्चा आराम से कॉलेज जा रहा है, regular जा रहा है, exams की preparation कर रहा है, assignments बना रहा है, और अचानक से वो एक रात आता है तुम्हारे पास और कहता है, मैं BTech छोड़ रहा हूँ। जिस कॉलेज में आप लोगों ने 1.5 लाख रुपए भरे हैं ना, यार मैं वो छोड़ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज उन्होंने मेरे से पूछा था कि अब तू क्या करने वाला है अगर बीटेक छोड़ेगा। तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था ना, बिकॉज 300 सब्स थे बस यूट्यूब पे। मैं उन्हें क्या बताता, मैं वीडियोस बनाऊंगा, एक्टर बनूंगा। अपने यहाँ पे ना इन जो प्रोफेशंस हैं, एक्टर, क्रिएटर, यूट्यूबर, गेमर, इनको ना कहीं नहीं देखा जाता। डॉक्टर, इंजीनियर एंड क्या होता है तीसरा। At that time, he didn't even have enough subscribers on his YouTube channel. He worked as a tuition teacher so he could make some money for himself. He continued uploading videos and now he has a large audience. उस time पे actually बहुत ज़्यादा tough time था वो जब मैंने BTech छोड़ा, because obviously घर वाले तो जीने देंगे नहीं कि घर में बैठा है तू पता नहीं क्या कर रहा है, उन्हें knowledge भी नहीं है YouTube के बारे में। So एक शख्सा बना रहता है कि ये यार ये गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, ये गलत तो कुछ काम नहीं कर रहा, कर क्या रहा है ये, कमरे में बैठा हुआ है अपने आप से बातें कर रहा है, चल क्या रहा है जिंदगी में। तो वो बहुत ज्यादा टफ टाइम था। मेरे घर वाले मेरे सर पे चढ़े हुए थे कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर, यहाँ जा वहाँ जा, मेरे को बिजी कर रखा था, टाइम नहीं मिलता था यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। सो मैंने ट्यूशन टीचर बनने का सोचा कि एटलीस्ट मैं इससे थोड़ा सा अपने जो खर्चा है वो चला पाऊंगा, एडजस्ट कर पाऊंगा सारी चीजें। आई मीन
और घर वालों को भी एक तरह से थोड़ा सा रिलीफ रहेगा कि हाँ भाई बच्चा कुछ कर रहा है, चलो वो ट्यूशन तो पढ़ा रहा है एटलीस्ट। ट्यूशंस ने उस टाइम मेरे को बहुत हेल्प करी अपने खर्चे उठाने में, सीरियसली। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि ये पिक्चर यूज करना बंद करोगे तुम लोग, हर बंदा यूट्यूब पे ये वाली पिक्चर क्यों यूज कर रहा है यार। He started his channel on November 27, 2015 and his first video was uploaded on 24 September 2016. नहीं, मेरी first video मैंने upload करी थी 5 July 2016, पर मैंने अपनी starting की कुछ videos private कर रखी हैं, so no problem. He uploaded other videos before, but he made those videos private. जी हाँ, one of his first uploads was a roast video for which he had got a lot of hate. He had also thought of quitting, but he didn't. मेरी फर्स्ट वीडियो एक रोस्ट वीडियो थी, बट उस पर हेट नहीं मिला था, उस पर तो व्यूज ही नहीं आए थे। उस पर तो मैं दोस्तों के मोबाइल छीन छीन के व्यूज डाल रहा था, खुद चला रहा था बार बार। हेट हर किसी को मिलती है और मुझे भी मिली थी ऑब्वियसली, और वो मिली थी 4-5-10-12 वीडियोज के बाद, क्योंकि पहली वीडियो पे बूम कभी भी नहीं मिलता, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, 10-12 वीडियोस डालनी पड़ती है, तब तुम्हें थोड़ी सी अटेंशन देखने को मिलती है। He hit 1000 subscribers after 1.5 years of making videos. देखा कितनी क्रेजी बात है ये। 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए एक बहुत बड़ा गोल था। आई मीन मेरे माइंड में हमेशा ये चलता रहता था, 1000 सब्सक्राइबर्स जब होंगे ना, अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही हवा होगी बीस्ट बॉय शुभ की। He sometimes uploads vlogs as well, very rarely. Yeah. He plays a variety of games including PUBG, God of War, Limbo, Granny and many more. He uploads videos almost every day, but sometimes he misses an upload. क्या? He got famous because his videos are funny and he is a humorous person. I just scream at video games. क्या बात कर रहे हो भाई? Most of the people enjoy watching them. His most popular uploads were his granny gameplay videos. He hit 100k subscribers in the month of June 2017 and he hit 1 million subscribers at the beginning of 2019. He recently started a new series called #4Shub in which he reacts to the memes made by his subscribers. June 2017 se 2019 ke beginning mein. Baap re. Itna lamba time 1 million subscribers ke liye. Presently, he is the fourth most subscribed YouTube gamer in India after Dynamo Gaming, Carry Minati and Mortal. Look at ourselves. Brace yourself, guys. BeastBoyShub is coming for that sweet number one spot. His channel gains around 1.3 million views and 4,500 subscribers every day. Aye, aye. BeastBoyShub never shared much information about his family. Their names are not known, but his father is a small businessman and his mother is a housewife. Unlike many YouTubers, his parents didn't support his YouTube channel since day one. Yeah, starting में कोई support नहीं था, but अब फिर भी no problem. वो मुझे मेरा काम करने देते हैं. This actually makes many people feel down, but had faith in himself and worked hard. I think that's the key to success. Just work hard. He had said many times in his videos that his relationship status is single and he doesn't have a girlfriend. Yes, मेरी कोई girlfriend नहीं है. मैं anime, games और 2D girls से इतना घिरा हुआ हूँ ना. मेरी virtually इतनी सारी girlfriend है ना. मेरे को IRL girlfriend की ज़रूरत नहीं है. Qualification B.Tech. तुम ये कह सकते हो सही में 6 महीने में तो छोड़ दी थी मैंने. 12वीं पास लौटना हूँ मैं. Father name, mother name, not important. Siblings, एक brother, एक sister. Physical appearance, height, 5'9". उसने अप्रॉक्स डाला है पर मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैं 5'9 और 5'10 के बीच में हूँ, ओके? बीच में, 5'9 नहीं, वेट 74 kg और ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे जाता है, हालांकि मैं नीचे ले जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ. हेयर कलर ब्लैक, आई कलर ब्लैक, आई कलर इज ब्राउन या ब्लैक है क्या? BeastBoyShub makes a decent earning. His main source of income are YouTube ads and affiliate links. His affiliate earning is hard to estimate. His YouTube earning is approximately around $20,000 every month. Bawlaat ho ke. Bawlaat ho. 20,000. Once, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10, 14 lakh rupay mahina. 14 lakh rupay mahina. I wish. Sach mein. अरे वो सोशल ब्लेड्स के एस्टिमेट पे मत जाओ, टिंडा पता है उन्हें हमारी अर्निंग के बारे में. 14 लाख रुपए महीना. व्हाट अ जोक.
social media 41.6 it doesn't matter. Fact about BeastBoyShub. All the things related to his YouTube channel are done by himself. Video editing, uploading, making thumbnails, etc. जी हाँ, मेरे YouTube चैनल पे अगर आप कुछ भी देखते हो, सब कुछ मैं करता हूँ. He is an animal lover and he loves dogs. Actually, मैं सभी animals को प्यार करता हूँ. मुझे cats भी पसंद है, मुझे parrots भी पसंद है. मुझे एक dog चाहिए पर यार. His favorite YouTuber is PewDiePie. Yeah. His favorite game is Resident Evil 4. वो game बहुत अच्छी थी, but या अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो रेजिडेंट इविल 4 मैं बहुत बार पार कर चुका हूं, लेकिन फेवरेट गेम्स की जो लिस्ट है ना वो अनगिनत है मेरी. इतनी सारी गेम्स पसंद है ना मुझे. ही लव्स वॉचिंग एनिमे मूवीज एंड सीरीज. यप. ही इवन मेड अ डिस्ट्रैक्ट ऑन यूट्यूबर्स हु वर मेकिंग डिस्ट्रैक्ट्स. डिस्ट्रैक्ट्स वर अ ट्रेंड इन 2017, सो शुभ गेव अ ट्राई. डिस्ट्रैक्ट मेरा इतना पुराना. ओह द क्वालिटी. The pit. Oh no. मैं म्यूजिक नहीं चलाने वाला बिकॉज इस म्यूजिक पे मेरे को कॉपीराइट आ गया था. कितना क्रिंजी है. एक्चुअली मुझे रोमांटिक और सैड और ये जो गाने हैं ना, ये गाने ज्यादा पसंद हैं. इसीलिए मेरा जो इसमें वॉइस है ना वो काफी ऐसा है लाइट सा, लेकिन एक डिस्ट्रैक्ट के लिए थोड़ी भयंकर सी वॉइस होनी चाहिए थी. बट मेरी आदत नहीं है ना, इसीलिए मैंने हमेशा से ना ऐसे एकदम लाइट वाले गाने गाए हैं, जैसे कि मेरे महबूब कयामत हो की. तो मेरी आवाज ऐसी है. इन हिज फ्री टाइम ही आइदर वॉच मूवीज और लिसन टू सॉन्ग्स और प्ले गेम्स मे बी. तो आज आप लोगों को BeastBoyShub के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का मौका मिला. कैसा लगा आपको? आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इन लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी. अपनी आर्टिकल को थोड़ा सा करेक्ट करो प्लीज, और खासकर मेरे रियल नेम को. और प्लीज उस एच के साथ ना और मत खेलो. BeastBoyShub में एच लगा रहे हैं, मेरे नाम से निकाल रहे हैं, चल क्या रहा है जिंदगी में. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और भयंकर वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. So, because of this video, हमें कुछ पता चला BeastBoyShub के बारे में, and it is a very thankful thing to know somebody. Right. So, एक वही बात थी, ये सिर्फ बताया तो हमें पता लगा, तो इसमें कुछ इसमें कुछ था नहीं. ठीक है, अच्छी बात है, कुछ चीजें पता लगी BeastBoyShub की, हम वीडियो देख रहे हैं, तो we should know about it much more better than to this. As compared to the other videos. So, yeah, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना है और बोलना है. मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमें इसीलिए सजेस्ट किया था बिकॉज हम बहुत सी वीडियोस में बोलते हैं कि वी डोंट नो अबाउट हिम, ये वो वगैरह वगैरह. दैट्स व्हाई आप लोगों ने एक सजेस्ट किया कि पहले आप जानो एंड देन उसके बाद जानो फिर पहचानो. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफी इन्फॉर्मेशन दी हमें BeastBoyShub के बारे में, शुभम के बारे में, जो एच लगाओ क्या करते. So, till then, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर उसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड टू कमेंट आउट योर वीडियो सजेशंस. बाय बाय.